आइए हम फिर से इसको सुने सुन करके आप जब अकेले में होइए तो चिंतन करिए चिंतन करना किसको कहते हैं बार बार विचार करना किसी चीज़ को बार बार सोचना और चिंतन में क्या मिलता है उत्तर क्या आता है इस पर ध्यान दें वर्तमान युग आरोहित दोपहर का तीन सौ उन्नीसवा वर्ष चल रहा है पूरा का पूरा द्वापर युग 2400 वर्ष का होता है 4100 हजार ईस्वी में पूरा होगा तभी आरोही द्वापर युग का केवल एक शिशु काल है इसलिए चारों तरफ क्या गलतियां हैं क्या गलत क्या सही है वो जल्दी जल्दी पता चलता है जो पहले नहीं पता चलता था अब पता चलता है अब पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गया है इंटरनेट की वजह से कंप्यूटर स्मार्टफोन की वजह से यहाँ से न्यूयॉर्क चाइना अफ्रीका कहीं पर भी आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं जो पहले संभव नहीं था गांव में भी पहले एक दूसरे से बात करने में कभी कभी बहुत समय लग जाता था आजकल वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर दिशा में हम विकसित होते हैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं केमिस्ट्री है फिजिक्स है जोलॉजी बॉटनी एस्ट्रल साइंस और जितने साइंसेस पढ़ाए जाते हैं जो कुछ हिस्ट्री हम पढ़े हैं जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मनोविज्ञान इन सब चीज़ों में परिवर्तन होगा जो देश का नियम है कानून है न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका सभी में बदलाव आएगा और जब परिवर्तन होता है तो एक हलचल मचती है धीरे धीरे ये सिद्ध होगा कि वैज्ञानिक युग ही होना चाहिए अगर हम महादेव पर दूध चढ़ाते हैं फल फूल चढ़ाते हैं जो अपने देश में पूजा होती है एक पिन बना करके प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है तब वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा कि हम प्रतिदिन ये पूजा करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर घाटा डायबिटीज कम हुई थाइराइड का कंप्लेन गया गठिया ठीक हुई और जितनी बीमारियाँ हैं कम हुई चिंता दूर हुई अपने अंदर वो शक्ति और ज्ञान मिला कि एकता की स्थापना संभव हुआ जो पहले अलग अलग थे बिखरे थे अब एक साथ होने लगे ये सब चीज सिद्ध होगा याद रखिएगा जो बहुत ज़रूरी है इसको जानना भविष्य का प्रकाश क्या है हमें कहाँ से ज्ञान मिलेगा कौन सा प्रकाश प्रकाश का अर्थ ये प्रकाश नहीं प्रकाश का अर्थ ज्ञान भविष्य के लिए हम क्या सोचते हैं भविष्य का ज्ञान का स्रोत क्या होगा महात्मा गांधी की जीवन शैली कैसे वह जीवन व्यतीत किए और लड़ी महाशय का क्रियायुग विज्ञान दोनों को कंबाइन कर दीजिए यही प्रकाश स्रोत होगा इसे सभी मानवता को ज्ञान मिलेगा सभी राष्ट्र को प्रकाश इसी से मिलेगा इसलिए जो भी इस सदकर्म में लगे हुए हैं गांधी का सिद्धांत का क्या अर्थ है सत्य और अहिंसा सत्य और अहिंसा का अभिप्राय क्या है जो हम एक महीने पहले जानते थे सच क्या है अहिंसा क्या है आज हम कुछ और जानते हैं आज वाला पकड़िए पिछले वाले पर आटके मत रहिए दो साल के बाद सत्य और अहिंसा क्या है वो जो समझ में आता है उसको पकड़िए आज वाले पर अटकी मत तो सत्य और अहिंसा का यही सिद्धांत है आज एक छोटा सा पेड़ है हम देख रहे हैं हम दस साल के बाएँ दस साल पाँच साल के बाद जब हम आते हैं तो हम आशा न करें को पेड़ उसी तरह से होगा या किसी बच्चे को देखें हैं पंद्रह साल पहले आज हम आशा न करें को बच्चा उसी रूप में दिखाई पड़ेगा ऐसे सत्य और अहिंसा का मार्ग है जो दस साल पहले जिस हम चलते थे आज जो चलेंगे वो अलग होगा दस साल के बाद अलग होगा हम इतने विनम्र हों इतने फ्लेक्सिबल हों हम किसी ऐसी जगह पर चिपके ना हाँ कि आगे बढ़ ना पाए यही महात्मा गांधी का जीवन जीने का तरीका और यही तरीका सबका होना चाहिए आप देखिए फिजिक्स के बारे में बीस साल पहले पचास साल पहले सौ साल पहले जो खोज हुई थी हम उसको लेके पकड़ के नहीं बैठे हैं आज नई खोज को हम स्वीकार करते हैं यही नियम हर दिशा में होनी चाहिए सत्य और अहिंसा जीवन का लक्ष्य है जो भी हम 20 साल पहले जानते थे आज जो जानते होंगे उससे कुछ भिन्न होगा तो पिछले चीजों पर चिपकिए मत आज वाले को स्वीकार करिए यही है महात्मा गांधी की तरह जीवन जीने की कला अगर हमें कहते हैं ठीक है महात्मा गांधी की तरह जीवन जीना कठिन है नहीं।, नहीं जी सकते बड़ा कठिन है कोई बात नहीं लाड़ी महाशय का योग है अपने पास उसका अभ्यास करते जाइए जैसे जैसे उसका अभ्यास करेंगे अपने आप पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा गांधी जी की तरह और आज इसी की आवश्यकता है याद रखिएगा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जातिवाद के नाम पर जो मनु में लिखा है मनुस्मृति में मनु में कुछ और है जिसको लोगों ने बदल करके मनुस्मृति बना दिया उल्टा पुल्टा लिख दिया कि हम ब्राह्मण हैं पैदाशी तो ब्राह्मण ही रहेंगे हमारे सब बच्चे ब्राह्मण अगर सही है तो हम इंजीनियर हैं हमारे सब बच्चे इंजीनियर हो जाए बिना पढ़े नहीं होंगे हम छत्री हैं सब हमारा परिवार ही छत्री होगा बैकवर्ड हैं शेड्यूल कास्ट है ये किसने बनाया ये इसे मनुस्मृति मनुस्मृति ये पॉइजन है भारत के लिए जहर है ये उसी में एक मनुसंहिता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मनुसंहिता को लोगों ने बदल दिया छेपक जोड़ करके मनुस्मृति बना दिया एक मनुसंहिता है जिसका जिक्र गुरुदेव स्वामी एकतेश्वे करते हैं होली साइंस में तो मनुसमिता जो है बिल्कुल ठीक है वो वैज्ञानिक की तरह है लेकिन उसमें जोड़ते जोड़ते लोग मनुस्मृति बना दिए जो आज मानव के लिए जहर हो गई है झगड़े की जड़ हो गई है भारत का विकास अवरुद्ध हो गया है जैसे भारत पूरा अवैज्ञानिक हो गया है पूरा देश वैज्ञानिक हो रहा है और हम अवैज्ञानिक हो रहे हैं चले जा रहे हैं पताका लेकर के चढ़ाने हनुमान जी को पताका हनुमान जी को क्यों चाहिए क्या वैज्ञानिकता है हनुमान जी की पूजा वो है कि नहीं इसकी वैज्ञानिकता क्या है ये युग आ रहा है इसलिए भारत का भविष्य बड़ा ही सुनाला है देश बदल जाएगा दुनिया बदल जाएगी बस आप लोग परेशान मत होइए खूब अभ्यास करिए खूब अच्छी तरह अभ्यास करिए जो समझ में आता है ये खाना पीना ये फायदा करेगा वही खाइए खाना पीना क्या ठीक है यहाँ पर किताब है आहार विज्ञान पर उसको जरूर पढ़िए ये भी याद रखिएगा अगर हम नब्बे वर्ष के हैं तो चौदह वर्ष के बाद हम एक सौ चार वर्ष के होंगे ये कल्पना नहीं कोई कर सकता है कि एक सौ चार वर्ष के होंगे तो हम और नवीनता को प्राप्त होंगे लेकिन क्रियायुग में पूर्ण भक्ति करके देखिए आप पाएंगे कि चौदह वर्ष के बाद जो भी आपकी स्थिति दिखाई पड़ती है इससे आप और हरे भरे दिखाई पड़ेंगे नवीनता दिखाई पड़ेगी अगले फिर चौदह वर्ष के बाद और नवीन होंगे पता चला कि नब्बे के थे फिर सत्तर के दिखाई पड़ते हैं साठ के हैं पचास के हैं इस तरह से ये तो सिद्ध हो चुका है आप इसका अभ्यास करिए तो कहेंगे नहीं कोई जीने की इच्छा नहीं है इसका मतलब निराशावादी है विष्णु भगवान की पूजा क्या है जो चीज़ है वैसे बनी रहे तो प्रश्न उठता है लाड़ी मां से क्यों नहीं है क्योंकि उनको जितनी सेवा करनी थी किया बाकी उनके सेवा जो करते थे और कोई नहीं था सेवा लेने के लिए तो चले गए ऐसे ज्ञानोतार सौमित्य स्वीग्रह गए परमहंश योगा नंद गए जब काम ख़त्म होता है जब परम ज्ञानी है चले जाते हैं रुकते नहीं हैं जैसे आप परम ज्ञानी हैं आप प्रोफेसर हैं आप मैथ पढ़ा रहे हैं क्लास में अब क्लास खत्म हुआ छुट्टी हुई लड़के घर गए तो क्या आप बैठे रहेंगे वहाँ नहीं आपका काम खत्म हुआ आप भी जाएंगे ऐसे जब सेवा कार्य किया जाता है एक निश्चित सेवा देते देते लोग सेचुरेट हो जाते हैं फिर सेवा वो नहीं ले सकते हैं तब जो रियलाइज मास्टर हैं चले जाते हैं अच्छी तरह से याद रखिए क्रिया ध्यान से इतना जुड़िए कि स्वेच्छा से जाने का मार्ग बनाइए चैतन्य अवस्था में प्रसन्न मुद्रा में और कब आएंगे ये भी सुनिश्चित कर दीजिए जाने के पहले जैसे परमहंस योगानंद ने सुनिश्चित किया ओ इंडिया आई विल बी देयर हे भारत हम वहीं आ रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ओ चाइना आई विल बी देयर ओ अमेरिका आई विल बी देयर जैसे परमहंस योगानंद महासमाधि के समय उन्होंने भविष्यवाणी किया हे भारत में वहीं आ रहा हूँ उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका में फिर से हम आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने बड़ी मदद किया या अब हम चाइना जा रहे हैं उन्हें अपना भविष्य तय किया ये भारत हम वही आ रहे हैं इसलिए क्रियायोग अब भारतवर्ष में फैलेगा क्या भारतवर्ष में क्रियायोग ही नहीं फैलेगा गांधी की तरह जीवन जीने की कला और क्रियायोग विज्ञान